13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मोहर हासिल करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। वो मोहर समझे आ ही गई। मैं तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से मिलाना चाहता हूँ, गुंजा गुल खातून, मेरा भाई सुंगुर तुकिन। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सलजान आखिरी सांस तक मेरी बीवी रहेगी और मैं उसका शौहर। सुंगुर तकिन और तुम जहां भी जाओगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारे साथ है मेरी दुआएं, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बने। तुर्कुत भाई, जब से दुआन ने जाने का सुना है ना, परेशान है वो। बानो जी जी को देख नहीं पाएगा ना इतने दिनों तक। इसकी हालत उस घोड़े जैसी हो गई है जिस पर ईंटों का अंबार लाद दिया हो। इंशाल्लाह तुम भी एक दिन इश्क की आग में चलोगे बम से, फिर पता चलेगा तुम्हें कि दुनिया इश्क के मारों के लिए कितनी जालिम है। चुप हो जाओ भाई, तौबा करो। क्या हो गया तुम्हें भाई, क्या तुम भी अपने हवास खो बैठे हो? तौबा तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। भाई तुम अच्छी तरह जानते हो इस तलवार से मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने घोड़े को अपना बेटा मानता हूं। अगर भाई ने मुझे मरने का कहा तो मैं मर जाऊंगा। मैं उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक नेजा आके मुझसे ये ना कह दे कि मेरे भाई तुम्हारी जिंदगी यहां पर खत्म होती है, पूरा हुआ तुम्हारा वक्त। मैं तो हर जंग में भाई अपने लिए शहादत की दुआ करता हूं। सही कहते हो भाई। कल के दिन हम यहां से रवाना हो जाएंगे, न जाने कौन सी जंग हमारी मुंतजर है। हाँ भाई, देखते हैं कौन सा मैदान जंग हमारा मुंतजर है। क्या है मोहब्बत, असली मजा तो जंग में है। तुर्कुत भाई, आईकिस बहन इन सबसे अलग थी। जानता हूं जानता हूं।
सो जाओ थोड़ी देर। शुक्र है अर्तुरुल भाई हमारे साथ है, उनकी वजह से हमारे पास महरूमियों का मातम करने का वक्त नहीं। त्रिकुट भाई कुछ कह रहे हो क्या? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। हाँ हाँ मैं तो सो रहा हूं, तुम भी सो जाओ। हर काम नौयान के ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। बहुत आला, खुश रहो। इत्मीनान रखो, मैं हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो हमजा? नौयान अपने बहादुरों को तन्हा नहीं छोड़ता कभी, इसीलिए मुझे इस कबीले से निकालने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कोई राह निकालो ताकि मैं और नौयान तुम्हारे शुक्रगुजार रहें। जब तक पहरेदार नहीं बदलते इन्हें मेरे फरार का इल्म नहीं होगा। मुझे यहां से निकालने का कोई तरीका सोचना होगा तुम्हें। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरे भाई। नौयान तुम्हें अपने साथ देखना चाहता था, वो खुश होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे अर्तुरुल। जहां भी तुम जा रहे हो अल्लाह आसानी फरमाए। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, सब मुंतजर रहेंगे तुम्हारे। आपको परेशान नहीं करना चाहता मैं, इंशाल्लाह वापस आकर बताऊंगा सब। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह।
तैयार हूं मैं। रुक जाओ इजाजत चाहता हूं आपसे। जिंदगी रही तो आइंदा भी आपके साथ कारोबार करेंगे इंशाल्लाह। ताजर हम इंशाल्लाह आपस में जबरदस्त तिजारत करेंगे। जब तक आप जैसे ईमानदार तुर्क कारोबार करते रहेंगे हर एक का भला होता रहेगा गुंदोगदु साहब। बेशक आप मुझे माफ ना करें लेकिन मेरे गलीस खून से इस जमीन को आप नापाक ना करें भाई। मुझे इतनी मोहलत दे दें कि अब्दुल रहमान का इंतकाम ले सकूं मैं। तुमने अब तक जो कुछ किया है मेरे साथ और अपने भाइयों के साथ मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं हमजा। मैं नोयान का सर काट के आपके कदमों में डाल दूंगा भाई और अगर मैं मारा गया तो मैं आपके सामने शर्मिंदा होने से बच जाऊंगा। मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं आपको भाई। कबीले में एक और गद्दार भी मौजूद है। मैं नहीं जानता कि उसके यहाँ आने का क्या मकसद है लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि वो मुझे और आपको नोयान तक पहुंचा सकता है। कौन है वो? ताजर अफरासियाब। उसके पास हमारी बहुत मालूमात है। वो आपको और कबीले को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप चाहें तो उससे इस बारे में पूछगछ कर सकते हैं। आपको यकीन आ जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल हकीकत है। उसके बाद जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। उफ भी नहीं करूंगा मैं। हमजा देखो अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो याद रखना मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। जो कुछ भी बताया मैंने वो सब सच है। ठीक है मैं आज रात ही तुम्हें इस खेमे से निकाल दूंगा। तुम सीधे अफरासियाब के पास जाओगे और अब्दुल रहमान का अधूरा काम पूरा करोगे। समझ गए? बिल्कुल समझ गया भाई। पीछे हटो। आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा भाई। आपकी खातिर अपनी जान भी दे दूंगा। सफर बखैर हो आपका। बहुत शुक्रिया जनाब।
कसम है मुझे अपने रब की, अपने परचम की और अपनी तलवार की। सत शुक्र अल्लाह का कि मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। अगर मैं इस अजीम मकसद से वापस लौट जाने का तसव्वुर भी करूं जो मैंने ओवोस की अजीम नस्लों के लिए इख्तियार किया है, तो मेरे परवरदिगार मुझे उसी लम्हे मेरी फौलादी शमशीर से खून में नहला दे। मेरे आबाओ अजदाद और मेरे कबीले को मेरी जात से दुनिया और आखिरत में नफा पहुंचाना या रब। इस मुबारक सफर जंग में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को मेरा मसाहिब बना और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरा सरपरस्त बना। ये सफर जंग हमारा होगा और फतह अल्लाह की। इनके बाल उतारने का वक्त आ गया है। कालीन के कारखाने में भी ऊन की जरूरत है। जल्द इस काम को अंजाम दीजिए। जैसा आपका हुक्म खातून। शुक्रिया। गुंजा गुल खातून, अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाना जानती हैं आप। सरदार की बीवी बनना आसान बात नहीं गुंदोगतुसा। हर एक काम पर नजर रखनी पड़ती है ताकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपकी जबान से निकले अल्फाज हमेशा आपकी तरह खूबसूरत होते हैं। मैं सोच रहा था कि आज रात के खाने पर शादी के मामला तय कर लिए जाए। ठीक है, आप बात कर लीजिए, मगर मेरी रजामंदी भी जरूरी है। दुरुस्त फरमाया। सरदार, 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 एक मसला हो गया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। गुंदोगतु साहब, क्या कोई अहम मसला है? हमजा हमारी कैद से फरार हो गया है। अल्लाह रहम करे, कैसे हो सकता है ये? अब क्या करेंगे? आप परेशान ना हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है। बहुत से लोगों ने इस मोहर के पीछे अपनी जिंदगियां गवाई हैं। क्या पता है दुल्हन और कितने लोग अपनी जिंदगियां गवाएंगे। मुझे इस बात पर हैरत है कि ये मोहर आखिर सुंगुर तकिन तक पहुंची कैसे। सादतीन को पैक मोहर किसके पास है ये जानता था। मोहर कोनिया से आई है यकीनन। महल सरा से? हाँ, महल सरा से, सुल्तान अलाउद्दीन के हाथ से। ये मोहर सुंगुर तकिन को यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन ने खुद दी है। और जब सादतीन कोपैक को ये पता चला कि सुंगुर तकिन वापस आ रहा है, तो उसने आपको ये मोहर लेने पर आमादा किया। अगर हमारे एक तरफ सुल्तान है और दूसरी तरफ सादतीन कोपैक फन फैलाए बैठा है, तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा भाई। हमजा हमारी कैद से फरार हो चुका है। कैसे फरार हो गया? मालूम नहीं, मेरे सामने ये खबर गुंदोगतु को दी गई। भाई, हम आपकी खातिर जान भी दे सकते हैं। दरअसल आपकी इजाजत से हम जानना चाहते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हाँ भाई, हम हैरान हैं और इस हैरानी में मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा। मेरे भाइयों, तकन से हमारे सफर का आगाज हो चुका है। अपने लिए एक खित्ते की तलाश वाहिद मकसद है, जहां हम लोग अमन सुकून से जिंदगी गुजार सकें।
जिहाद हमारा नस्बुलैन और फतह अल्लाह की है। जो सफर जिहाद नहीं करते उनके लिए नेमतों की फरावानी बाकी नहीं रहती। इंशाल्लाह हम मकसद में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। अगला हदफ क्या है भाई? अब एक ऐसा वतन जहां अदल और इंसाफ की फिजा हो तुर्कुत, एक ऐसा वतन जहां हमारी रिवायात और मकसद की ताबीर और तरवीज मुमकिन हो सके। मेरे अंदर की आवाज मुझे यह एहसास दिला रही है कि जो सफर इस बार हम करने जा रहे हैं यह मुख्तलिफ होगा माजी से। कबीले की इज्जत और मुस्तकबिल की खातिर बगैर रुके पेशकदमी करना होगी हमें। सूरज तुलू होने की सरजमीन से सूरज गुरूब होने की सरजमीन तक यह सफर मुसलसल जारी रहेगा। तो इसका मतलब सफर बहुत तवील है हमारा। वो सरहदें जहां बाज़ंतीनी और सलीबी राज करते हैं। अल्लाहू अकबर। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा ये तो बताओ मेरे भाई, तुम अचानक कैसे बरामद हो गए? बरामद होने वाले पर नहीं मेरे भाई, बरामद करने वाले पर गौर किया जाता है। जो आया और जिसने भेजा अल्लाह राजी हो उससे। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाया हूं ताकि सफर आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कीजिए मेरे भाई। आराम से खाओ, जरा गले में फंस जाएगा। अपने काम से काम रखो तुम। एक तो पहले ही अकल नहीं है, ऊपर से इश्क कर बैठे। जितनी अकल थी वो भी गई। भाई मैं भी आप लोगों के हमरकाब होना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। शादी का दिन नजदीक आ गया है वालदा, आपके खेमे में खुशियां आएंगी। आपका बेटा तूते के नस्ल में इजाफा करेगा। तो दकिन भाई, क्या बात है बॉच? भाई वो हमजा फरार हो गया। ये क्या कह रहे हो बॉच? आखिर कैसे मुमकिन है ये? कुछ खबर नहीं भाई, समझ से बाहर है। ये काई वाले कब बाज आएंगे? इन लोगों ने कबीलों को सराय बना के रख दिया। चलो आपने मुझे क्यों नहीं बताया भाई कि हमजा को आप नोयान के पास भेज रहे हैं जासूसी करने के लिए, और वो अर्तुरुल की भी जासूसी करेगा आपके लिए। सुंगुर, अर्तुरुल ने मुझसे और वालिदा से अपनी किसी अहम जिम्मेदारी को छुपा रखा है। मैं उसे रोकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मामले को अपने तौर पर ही हल किया जाए। इसीलिए मैंने दुमरुल को अफरासियाब के पीछे रवाना किया। कुरकुत मामू को क्या खबर है इस बात की? कुछ देर में हो जाएगी। सरदार कुरकुत आए हैं,
आने दो उन्हें। हमजा कैसे फरार हो गया गुंडोगदू? क्या ये समझा जाए कि वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर मुश्किल में डाल गया? जवाब चाहिए मुझे कि वो कैसे तुम्हारी कैद से फरार होने में कामयाब हो गया। मैं एक सांप को दो बार डसने का मौका नहीं देता। आप समझते हैं कि हमजा फरार हो गया, लेकिन उसे खुद मैंने आजाद किया है और मैं अपने सिपाहियों को हमजा के पीछे भेजूंगा। लेकिन याद रहे कि इस मामले का हमारे सिवा किसी और को इल्म नहीं होना चाहिए। जो सुना वो सच है गुंडोगदू भाई? क्या हमारा कबीला एक सराय बन के रह गया है? तुम लोग बैठ जाओ। फूफी जान, ये बैठने का वक्त नहीं। हम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उस गद्दार को पकड़ा और अब वो हमारे हाथों से निकल गया। जरा सब्र से काम लो, बैठ जाओ, तहम्मुल से बात करते हैं। आ जाओ, बैठो, आप भी बैठिए। कबीले से काफी दूर आ चुके हैं, हमजा को बाहर निकाल लो। से अपना काम अंजाम दिया है तुमने। नोयान अपने मोहसिनों को बेहतरीन अंदाज में नवाजता है, बहुत शुक्रिया। मुश्किल काम था, गुंडोगदू ने बहुत कोशिश की, लेकिन निकाल लाया मैं तुम दोनों को नोयान की ख्वाहिश के मुताबिक। ये मलाऊन भी तुम्हारी तरह गद्दार निकला? कैसे कर सकते हो तुम अपने कबीले के लोगों के साथ ऐसा? कैसे कर सकते हो? अपने किए पर करीब बहुत पछताओगे तुम लोग। अल्लाह गारत करे तुम लोगों को। गारत गद्दारो! एंजू, एंजू,
छोड़ दो मुझे गद्दारो, कोजे बच की तरह तुम लोग भी जहां फांसी हो जाओगे, समझे? गद्दारो छोड़ दो मुझे। देखो किसको लाया हूं मैं। डुमरुल तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़ी महारत से कबीले से फरार हुए हमजा। नोयान अपने सिपाहियों के लिए किस हद तक जा सकता है तुम अच्छी तरह जानते हो तांगुत। महारत मेरी नहीं, नोयान की है। बांध दो इन्हें। मलाउन शैतान, बचोगे नहीं तुम। सिपाही तुराली, मेरे ख्याल से अब तुम्हारे बड़े होने का वक्त आ गया है। अगर ये बात है तो मैं खुशी से बड़ा होने के लिए तैयार हूँ तमीर उस्ताद। आफरीन है, आफरीन। हलीमा सुल्तान, खैरियत है? अर्दुरुल जब से गए हैं मुझे फिक्र हो रही है दिली तमीर। हाँ, उसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएगा। इंशाल्लाह। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? एक मसले की वजह से परेशान हूं मैं। ऐसा क्या मसला हो गया? आपको नहीं बता सकता ये बात। हलीमा सुल्तान, आप जाके अपना काम कीजिए, हमें बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है, तो जाइए आप। सलजान, गोकचे खातून, याद आ गई आपको अपनी बड़ी बहन की? तुमने कब से फिक्र करना शुरू कर दी मेरी बहन की? और क्या कर रही हो इस खाने में? सलजान खातून से कुछ काम था मुझे, लेकिन कहीं मिल नहीं रही। क्या जानती नहीं बाजी का मिजाज उन्हें कहीं भी ले जा सकता है? पता नहीं अब क्या फितना खड़ा करेंगी। वो तुम्हारी बहन है गोकचे, इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मौके पर तुम्हें बिल्कुल भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। उस वक्त कहाँ थी वो जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? हाँ, जानती भी हो तुम कुछ किस तरह उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मेरी, दूसरों की, सबकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। हलीमा, और अब तुम बताओ उनके साथ मिलकर क्या कर रही हो? या फिर तुम भी वो करना चाहती हो जो मेरी बहन लाख कोशिशों के बाद भी ना कर पाई? तुम औताक की खातून बनना चाहती हो जो घूम घूम कर ये तासुर देना चाहती है कि सब मेरे हाथ में है? आखिर कौन हो तुम? हद में रहो गोकचे, वरना क्या कर लोगी तुम? क्या समझती हो कि मैं अनजान हूँ तुम्हारी हरकतों से? सब याद है किस तरह तुमने मेरी गर्दन पे खंजर रखा था।
अर्तुरुल की हर खबर इस औताक से तुम वहां पहुंच जाती रही। हाइमा खानम ने तुम्हें माँ का प्यार दिया, अपनी औलाद से कभी कम नहीं समझा तुम्हें। तुम्हारे पापा और तुम्हारी घटिया हरकतों को नजरअंदाज किया हमेशा, मगर मैं ना तुम्हारी माँ हूँ और ना बहन। अब अगर एक भी गलती की तो अंजाम सोच लेना अपना। नोयान का हारा हुआ लश्कर हमारे हमले से मुंतशिर हो गया। बहुत मुमकिन है कि नोयान मजीद कुमक मंगवाएगा। हमें किसी भी बड़े मुमकिन हमले के लिए तैयार रहना होगा। दुरुस्त फरमाया आपने, अब वो हम पर मजीद शिद्दत से हमला आवर होगा। वो हमें डराकर हमारी जमीनें हथियाने की कोशिश करेगा। उसकी साख जो मुतासिर हुई है। कोई भी शख्स अपने गुस्से की वजह से शिकस्त खाता है, अपनी फौज की वजह से नहीं। और ऐसे शख्स की कमजोरी उसका गुस्सा होता है, इसलिए जरूरी है कि अपने गुस्से पर काबू रखा जाए। तमाम तुर्क खाना बदोश कबाइल और सुल्तान की गैर मुस्लिम रियाया भी नोयान की हमारे हाथों शिकस्त से अच्छी तरह वाकिफ है। ये खबर कोनिया के महल तक पहुंच चुकी है कि नोयान के लश्कर के साथ क्या किया हमने। सब बहुत खुश हैं ये सुनकर। अब लोगों के दिलों से मंगोलों का खौफ खत्म हो चुका है। शुक्र है रब का। नोयान यकीनन कोशिश करेगा उम्मीद के इस दिए को बुझाने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसी बात के पेश नजर अभी जबकि नोयान के जख्म ताजा हैं, मैं उसे शिकस्त फाज देना चाहता हूँ। अपने मजीद सिपाही और जाबाज शहीद होने से पहले उसको उसी की कछार में मार डालने का मौका है, और ये मौका हमें हमजा ने फराहम किया है। वो नोयान के पड़ाव का पता लगाकर हमें बताएगा। अब्दुल रहमान के अधूरे छोड़े गए काम को अब हमजा पूरा करके दिखाएगा इंशाल्लाह। मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कम से कम आप हमें पहले बता सकते थे कुंदुक्तु भाई। समझ लो ये बात कि हर सिपाही मेरा सिपाही है और हर जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि यह फैसला मैंने बहुत उजलत में किया है, लेकिन इसके गुनाह और सवाब की जिम्मेदारी भी मेरी है। दुरुस्त फैसला है तुम्हारा। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह हमजा इस मर्तबा तुम्हें मायूस नहीं करेगा। चलिए हमजा को मुझे एक बार फिर धोखा देने का मौका दे दीजिए। हो सकता है कि वो गद्दार हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोजाबाज की तरह खंजर नहीं घोपेगा पीठ में। कौन है ये? सलजान कुंदोगदु की जोजा। नोयान ने सलजान खातून को अगवा कर लिया है। क्या? तुम्हारे जुदा होने पर हम कितने गमजदा थे, और अब जबकि तुम वापस आए हो तो परेशानियां साथ लायो। भाई खामोश, कुछ न कहना। नोयान